वही हिरन हिरन है लिल गाय गाइज। अरे देखो वहाँ वहाँ रोड पार किया, एक और क्रॉस कर रहा है गाइज, देख सकते हैं। ओह माय गॉड, एक वो यहाँ सामने है एकदम। यहाँ से सीन काफी जबरदस्त आ रहा है ना। नदी में रामत होता है, नदी में मुर्गा तैर रहा था उसे उठा लिया। देख लो भाई क्या ही मुसीबत, मार फंसाने का मतलब की तरीका बड़ा कैजुअल है मनीष भाई का। ये देख लो भाई क्या हो रहा है, डॉली चाय वाला, ए डॉली चाय वाला। लिल गाय गाइज। अरे देखो वहाँ वहाँ रोड पार किया, एक और क्रॉस कर रहा है गाइज, देख सकते हैं। ओह माय गॉड, एक वो यहाँ सामने है एकदम। वो गया 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 भाई, हिरन हिरन है, हिरन। भाई साहब हिरन देखने को मिल गया, अरे पकड़ाया नहीं दिखे घना जंगल है ना, रास्ता नहीं ना। हाँ सब देखो हिरन है ना, सो चिल्ला रहा है। थोड़ा दूरी पे है वरना अभी पास में ही था गाइस। काफी ज्यादा दूर में है वरना मैं आपको भी सुनाता आवाज उसका।
और टेंट का सेटअप वहाँ पे हो रहा है अभी। जो मैं जंगल में हूँ ना गाइस, ये पता है ज़्यादा घना दिख नहीं रहा आपको, पर रियली यार यहाँ पे खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। जैसे अभी हिरन तो मैं दिखाई दिया, और कुछ ऐसा होगा तो जो भी सामने दिखेगा वो मैं दिखाऊंगा। बाकी थोड़ा यहाँ पे सावधानीपूर्वक रहना पड़ेगा, इसलिए यार यहाँ पे 5 लोग हम लोग रह रहे हैं। 4 लोग आए थे पर 5 लोग हो गए, तो और बेटर है। तो चलो गाइज ना, अब टेंट पिच करते हैं। और भाई साहब एक दिक्कत और हो गई है ना, कि हमारा टेंट का जो ये रॉड रहता है वो टूट चुका है, तो अभी उसकी मरम्मत कर रहे हैं, उसके बाद टेंट पिच करते हैं। कैंपिंग रॉड का मरम्मत, ये टूट गया है पूरा। यहाँ पे ठीक है, तो ये अपना एमटी को मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो गाइस यार, मनीष भाई ने टेंट पिच कर लिया है, और अब ना हम भी टेंट को जल्दी से पिच करते हैं। यार काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है, सच बताऊँ गाइस अभी कितना बज रहा है यार, 9 बज गए हैं। सोच लो अभी तक हम लोगों ने टेंट पिच नहीं किया है, और लेट होने का मेन कारण है कि कुछ सामान छूट गया था। और तो भाई साहब आज ना फिर से गौरव भाई को साथ में ले आए हैं। तो गाइस यार दोनों टेंट ना अच्छे से पिच हो चुका है, और एक साइड हमारा है N160 और एक टेंट के पास है MT-15। तो भाई आज ड्यूअल मोटो कैंपिंग होने वाला है और ग्रुप कैंपिंग भी। तो गाइस यार अच्छे से टेंट पिच हो चुका है सारा कुछ। तो ना अब बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी पता है गाइस कितना बज चुका है भाई, ये थोड़ा सा 9:16 गाइस। तो अभी 9:16 हो चुका है, काफ़ी आज ना फर्स्ट टाइम इतना हुआ है कि इतनी रात से हम लोगों ने टेंट को पिच किया है। तो इस टाइम तो यार अच्छे से खाना बन रहा होता था, या खाना स्टार्ट कर देते थे। तो चलो अब ना मस्त सा कॉफ़ी बनाते हैं और इंजॉय करते यार ये इस मौसम का। गाइस यार यहाँ का जो नज़ारा है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा मस्त है। ये जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, ये एकदम पूरा पहाड़ है दो यहाँ पे, और जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे ज़्यादा यार यहाँ पे जंगली जानवर को डर है, क्योंकि यार अभी आते टाइम ही एक ना हिरन दिखा और खरगोश भी दिखा यार, पर मैं आपको दिखा नहीं पाया। ओए कच्चा बादाम, ओए भाई ये तो गिर गया। तो इतना लोग मिल करके एक चाय नहीं बना पा रहे हो, सोच लो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहा है। इधर ले गए इस बताम कुछ कर, हम ये कर रहे हैं हल्का सा मेरा ज्यादा लगेगा। कहीं यार आज तो लड़ाई होने वाली है ना, तो थोड़ा ज्यादा ही एंटरटेनमेंट हो रहा, ज्यादा ही कुछ काम भी गलत गुल्ला ज्यादा होने वाला है। तो प्लीज आप लोग मैनेज करना, वीडियो पूरा देखना, मजा आने वाला है, लेकिन लास्ट में मजा देने में कमी नहीं करूंगा। बारा भाई यस ब्रो, गिरा मत देना यस करने के चक्कर में। तो गाइस बहुत ही स्वादिष्ट नहीं बना है गाइस, भाई पता है भाई पता है, तुम लोग इतने सारे लोग हो गए ना, कितने मेरा कैमरा यार क्या मेरा कैमरा आज यार एडजस्ट करना आप लोग, कुछ ज्यादा ही ग्रुप कैंपिंग कर रहे हैं। आज बारिश होने का मौसम बहुत ही कम है, क्या लगता है भाई आज बारिश होगी? नहीं होगी 100% आसमान में, पर कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यार कल भी जो ऐसे ही मौसम था ना, हाँ अब भाई 1 बजे से जो पानी गिरना स्टार्ट हुआ ना, पूरा सुबह तक गिरा पानी 7 बजे तक। तो भाई लोग जो भी बोलो कॉफी पीने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि कॉफी ठंडा हो जाएगा, और कॉफी में कीड़े भी पड़ना स्टार्ट हो गए, लेकिन फिर भी पियेंगे, मजा आ रहा है ना बाकी बाद में। तो भाई साहब मस्त कॉफी पी लिया, और अब ना जल्दी से खाना बनाते यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुका है। तो
हमारा ये फर्स्ट टाइम इतने बड़े पतीले में आज हमारा चावल बन रहा है। और इधर गौरव भाई है सो चिकन को वॉश कर रहे हैं अच्छे से, और मतलब सारे लोग काम में लगे हुए हैं। इधर चॉपिंग हो रही है। अभी गरज नहीं हो रही लेकिन मलक जा रही है, कभी भी बारिश आ सकती है। अभी खाना पीना इधर बनाया जा रहा है, पीना नहीं सिर्फ खाना बनाया जा रहा है, पीने के लिए पानी है। टेंट का सेटअप बहुत अच्छा है ना, एकदम दोनों साइड बाइक, बीच में टेंट, एकदम यहाँ सेटअप। इसको बोलते हैं ना डियो मोटर कैंपिंग, एकदम डियो। अच्छा डियो मोटर कैंपिंग, मोटर नहीं भाई मोटर कैंपिंग। भाई साहब क्या चमका है यार, ओ भाई गजब ना। ओ भाई एक गौर करने वाली चीज है ना कि एक ही जगह से एकदम हो रहा है, देखो एकदम वहीं से कंटिन्यूअसली। देख लो भाई क्या ही मुसीबत, माल पसाने का मतलब की तरीका बड़ा कैजुअल है मनीष भाई का। ये देख लो भाई क्या हो रहा है, ए डॉली चाय वाला, ए डॉली चाय वाला, नहीं डॉली चाय वाला, गाइस फिर से एक बार नहीं डॉली चाय फेमस हो जाएगा तुम, डॉली चाय वाला चाय थोड़ी है। तो गाइस यार अपना चावल ही बन चुका है, तो अब जल्दी से यार चिकन बनाते हैं वरना हमारा चावल ठंडा होने वाला है। डालो डालो बहुत चिकन है, मरवाएगा तू हमको। बोलिए क्या क्या जो नुकसान, तो गाइस यार हम लोग यार एडवेंचर किए बिना रहा नहीं जाता। तो यार मनीष भाई हम और रामा भाई यार देखो अभी पहाड़ पे और ऊपर जा रहा है, मतलब वो सुनने को तैयार ही नहीं है। और भाई उधर देखो नीचे खाना बन रहा है, तो गौरव भाई और एक और उनके साथ जो आए हुए हैं तो वो लोग खाना बना रहे हैं नीचे। और यार हम लोग ऊपर में ना मस्ती करने आए, क्या मनीष भाई? बिल्कुल। और थोड़े बहुत यार यहाँ से शॉर्ट्स ले लेते हैं, हाँ शॉर्ट्स ले लेते हैं ताकि यार आप लोग को दिखा सके यार अच्छे अच्छे सीन, सिनेमैटिक सीन या जितना भी अच्छा हो सके दिखाने का प्रयास करते हैं, भले ही रात में पहाड़ क्यों ना चढ़ना पड़े। तो इसलिए यार वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो यार। और बाकी हाँ थोड़ा सा यार इग्नोर करो क्योंकि यार इतने लोग में ना पहली बार कैंपिंग कर रहे हैं 5 लोग में, और थोड़ा अननोन लोग हैं, 2 लोग अननोन है थोड़ा, तो शूट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। आप लोग समझ सकते हो कि बीच बीच में कोई बोल देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पर कोई ना यार मज़े करो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो यार थोड़ा बहुत आप लोग। तो बाकी यार रात देखो क्या ही ख़तरनाक हो रही है, उधर ना चंदा मामा भी ढक चुके हैं हमारे, और यार मस्त खाना बन रहा है उधर। मनीष भाई भी उधर चले गए हैं, और यार जंगल देखो गाइस पूरा घना है, बहुत दूर के बाद कुछ गाँव हैं उधर तो उसका लाइट जल रहा है। पता है गाइस वो लाइट आपको जो एक एक दिख रहा है बीच में वो क्या है? सो वो टावर की लाइट है, तो वो टावर की लाइट आपको दिख रहा है। ये गार्लिक पेस्ट है, बस भाई ये कौन सा चिकन बना रहे हो ये तो बता दो। अब तो भाई ये कढ़ाई चिकन बन रहा है क्योंकि ये कढ़ाई में बन रहा है ना डाल। और ये अलग टाइप से बना रहे हैं हमारे शेफ भाई, आप तो इनको जानते होंगे अच्छे से। मिर्चा पाउडर ना ना हाँ, ये तो गजब के डाल रहे हैं, पिता हो जाएगा ना ब्रो। नहीं मिर्चा पाउडर डाल रहा हूँ, वो कश्मीरी मिर्च है, ये मिर्च पाउडर है ना। ये चिकन मसाला, चलो अब आएगा असली टेस्ट।
तो अब है क्या भाई? मस्त भाई, सेंट तो आ रहा है अब। शुरू शुरू लग रहा था कि पता नहीं क्या बन रहा है, पर अब लग रहा है क्या बन रहा था पता ही नहीं चला। देख ऐसा पता तो चल रहा था, पर यार बनाने का तरीका थोड़ा अलग है हम लोग से। तो कढ़ाई चिकन बना रहा है गौरव भाई, मटका चिकन नहीं है, मटका चिकन ये नहीं है, हम लोग मटका चिकन बनाते हैं गाइस, तो इस वजह से डिफरेंट लगा। जल गया, ओ जल गया, पानी डाल, पानी देख यहां, पानी लो, पानी कुछ निकल गया। अरे लाइट जंगल बस ऑर्डर ले, बस 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 बस, एक चिकन के तीन चलो इधर मसाला, चार चार लोग इधर, एक वो नहीं एक कैमरामैन है। अरे भाई गाइस यार अभी चिकन गिरते गिरते बचा है यार, आज मेरा पूरा दिन ही खराब है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चला टेंट के अंदर सोने। अब भैया सांप उठने नहीं को सांप पैलेस है पता है गाइस। अभी ना मनीष भाई को इसको बनाने जा रहे थे, मतलब इसको चला रहे थे, अभी यार चिकन यहाँ पे गिरते गिरते बचा, मतलब ग्रेवी थोड़ा सा गिर गया, बस पीस नहीं गिरा यार, खैरियत रहा, पहले हाथ झुलाया अभी चिकन गिरा। भाई यार आज का दिन दिवाली में खराब रहा है क्या? लेकिन ज्यादा पानी छोड़ रहा है कौन चिकन? अरे पॉइंट डाला लिया, अभी डाले से देखो ना। नहीं ये नदी में तैर रहा था, ठीक है पानी पानी बहुत ही ज्यादा चिकन पानी छोड़ रहा है नदी में, रामत होता है नदी में मुर्गा तैर रहा था उसे को उठा लिया। नेक्स्ट टाइम मछली बनाते हैं। तो भाई यार चिकन क्या जबरदस्त लग रहा है, बिना फाइनली बन चुका है। तो भाई साहब अपना ना चॉपिंग सॉरी सैलेड भी कट हो चुका है, बस एक लास्ट प्याज बचा है। और देखो यार उधर दो लोग अभी सही खाने के लिए बैठ गए हैं। तो चलो यार जल्दी से करते हैं, बहुत रात हो गया है और नींद ना एकदम आँखों में पूरा भर गई है, तो कभी भी यार झप्पा मार सकते हैं और हाथी कर सकता है यार। दिल्ली में बहुत ज़्यादा रात हो गया है, 11 बज गया गाइस, 11:30 सोच लो। मिर्ची कंपटीशन हो जाएगा, हो जाए। आ जा गौरव भाई, चिकन सर्व कर रहे हैं भाई, सबके हिस्से में एक लेग पीस आना चाहिए सोच लो। तो एक मेरा लेग दे दूँ अपना तुम्हारे साथ। मेरे को चाहिए पोर्ट, पोर्ट नहीं आया था हम पोर्ट के। मेरे को भी चाहिए लेग पीस गाइस, लेग पीस लीजिए आप पोर्ट गाइस। हाँ पोर्ट आया था, पोर्ट नहीं, यहाँ पे लेग पीस है, लेग पीस हमारा चला गया है, पोर्ट वाला दी पोर्ट है इधर, वो दो लेग पीस, लेग पीस नहीं तेरा आया है? अरे वाह, मेरे में लेग पीस तक नहीं है। केवल हां इसको पोर्ट दो, पोर्ट खाली खाली रहेगा। फाइनली मेरे हिस्से में, ओए मेरा लेग पीस लाओ दे रहे, वरना कुटाएगा अभी वो भाई। मेरा लेग पीस भाई, लेग पीस उठा लो सब लोग। नहीं मेरे में पोट उठा लो, तो बड़ा पोट मांग रहा था। चीज़। चीज़। चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस गाइस, चिकन लेग पीस। कैसा लग रहा टेस्ट अब है? टेस्ट यार जबरदस्त लग रहा है रियली में, शाबाश। अबे जोर से लगा तो नहीं ना भाई, जैसे टेस्ट लगता है जितना जितना जबरदस्त टेस्ट लग रहा है उतना जबरदस्त तो सवाल ही मिलेगी ना। खैर यही शुक्र है कि बायां हाथ से पड़ा अभी। रियली गाइस टेस्ट बहुत अच्छा बना है, बस ग्रेवी कम है, बस ग्रेवी की कमी हो गई। आ जा मिर्चा चैलेंज, ओए हो मिर्ची कहाँ गया भाई, मिर्ची चलो भाई मिर्ची खाते हैं, चिकन लेग पीस और मिर्ची साथ में। बहुत गल रहा है यार। बहुत कष्ट हो रहा है मेरे भाई, कैंपिंग पे आया तो थोड़ा बहुत दर्द तो मिलेगा क्या, और गाइस दर्द में ही मजा आया क्या। गौरव भाई अच्छे जान रहे हैं, तो भाई इधर मिर्ची इधर लेग पीस टेस्ट करके बताते हैं। नहीं नहीं इधर होगा ना, उपड़े 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 उपड़े
भाई साहब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, 1:01 हो चुका है। दिखो यार फ़ोन थोड़ा सा। तो भाई देख लो कितना बज रहा मनीष, 1:03 हो रहा गाइस। बहुत ज़्यादा रात हो चुका है क्योंकि यार पता है सारे लोग मस्ती कर रहे थे और मैं भी थोड़ा किया, पर थोड़ा सा नींद भी ले ली यार क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था। और भाई चलो ना अब सोते हैं, हमारा एक दोस्त सो चुका है। तो यार जो तकिया फुलाएगा गाइस वही सोतेगा, बात खत्म। कहा मनीष भाई नहीं जो, हाँ तो तुमको सुनना, तुम फुलाओ। आज खाया पिया सब निकलने वाला है इसका, मुर्गा निकल गया है, लेग पीस बचा वो जा रहा है अभी। किसला निकाले पर पड़ा ली। तो बाबा यार गुड नाइट, अब मिलते हैं सीधा सुबह और यहाँ के नज़ारे का आपको दर्शन कराएंगे, एक्सप्लोर करेंगे पूरे जंगल को। यार बहुत ही घने जंगल में आए हुए हैं अभी फिर से ना, यहाँ पे अभी सोए हुए थे तो क्रॉस किया था यहाँ से हिरन, पर यार आपको दिखा नहीं पाए। तो चलो गाइज हम ना सीधा सोते हैं, बाबा यार गुड नाइट। सो यार गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात गाइज। ओह यार देख लो यार, वो लोग सुबह सुबह भी यार चैनी ले रहे यार। टेंट में यार इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं अकेला इस टेंट में सोया था, और ये लोग उठ करके बाहर चले गए थे, इसमें रामा भाई और बाकी 3 लोग यार रात को ना वहाँ पे मैट ले आ करके, और 3 लोग वहाँ पे सोए हुए थे यार, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, क्योंकि बारिश का मौसम किया हुआ था यार, पर बारिश हुई नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी की हुई थी। तो भाई फाइनली सुबह हो चुकी है और क्या ही नज़ारे आ रहे हैं गाइस, मतलब सूर्योदय ना हो। तो यार अब ना जल्दी से सारे बर्तन को साफ करते हैं और फिर यार मस्त सूप बनाते हैं, पीते हैं। तो भाई साहब अपना बर्तन वगैरह धोकर के आ गए हैं और अब जल्दी से सूप बनाते हैं यार, क्योंकि थोड़ा सूप पीने के बाद यार मज़ा आ जाएगा। तो चलो अब उस वाले पत्थर पे जा कर के मस्त सूप बनाएंगे। ये वाला ना होने को चला है, बाकी कैमरामैन बेचारे परेशान हो जाते हैं एंगल चेंज करते करते। सूप को मिलाइए, देखिए बहुत बढ़िया यहाँ से सीन काफी जबरदस्त आ रहा है ना, मस्त 2 टेंट दिख रहा है, बाइक दिख रहा है और सूर्य महाराज तो आप गजब के दिख रहे हैं। और इधर यार के साथ में देखो ये हमारा सीन। लो मनीष ले रही हम चेस करेंगे लो। या जो भी बोलो अभी का सीन यार बहुत ज्यादा जबरदस्त आ रहा है और अभी यार रियल में सुकून मिल रहा है रात से ज्यादा। तो गाइस यार अपना मस्त सूप हो चुका है और अब जल्दी से टेंट को पिच करते हैं और चलते यार घर की ओर, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है।